근데 요즘 많이 डाल दीजिए या इरफान है हर्बल रिपोर्ट के इरफान दवा खाने की सब प्रोडक्ट है तंबाकू खाना छोड़ दो कीड़े नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे देखो ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद में आप सभी का खैर मकदम है। आज यहाँ पर अंबरगट्टी गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर मशहूर हाकिम कारी अनवरुल हक इरफानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। वो गाज़ियाबाद से यहाँ पर आए हुए, बड़े बड़े शहरों में वो वहाँ पर तीन तीन दिन के इसी तरह के वो वर्कशॉप भी रखते हैं। वहाँ पर वो लोगों की खिदमात भी अंजाम देते रहते हैं। लेकिन हाकिमियत जिसे कहा जाता है एक ज़माने से चलती आई है। लोग आजकल जिस तरह से खान पान उनका रहन सहन एक तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की दौड़ धूप में इंसान के साथ अमराज लग जाते हैं तो वो किसी तरह से बचने की कोशिश करता है और इसी में वो कई हज़ारों लाखों रुपये सर्व करता रहता है। लेकिन हमारे साथ जो कारी अनवरुल हक साहब मौजूद हैं पिछले 35-36 सालों से इस हकमियत को अंजाम दे रहे हैं तो हम सबसे पहले सर आप यहाँ पर आए हैं, आपका खैर मकदम इस्तकबाल। मरीज हर घर में बजाय राशन ज़्यादा भरने से अब ज़्यादा दवा गोलियाँ ही भरी जाती हैं। लोगों की वो मजबूरी हो चुकी है, एक दिखाने के लिए जाते हैं तो चार अमराज निकल कर आते हैं। तो ये हाकिमियत एक ज़माने से, जैसा कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो है इस तरह के ट्रीटमेंट नब्ज़ पकड़ कर लोगों को दवा देना इस तरह की देखी जाती है। आप इसके तफसीलात पेश कीजिए क्योंकि आवाम परेशान है और वो एक तरफ तो कारोबार है, बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी इतनी शिद्दत तक पहुंच चुकी है कि वो मर्ज को भी जो है वो अपने काबू से बाहर दिखी जा रही है, वो दवाइयाँ नहीं ला सकती। लेकिन आप जैसे हाकिम हैं, क्योंकि एक ट्रीटमेंट ही अलग है, एक तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसे कहा जाता है, आप इसके बारे में तफसीलात पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफा वसलाम अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين। अज़ीज़ान गिरामी और सामीन, मैंने कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा पढ़ा है। इससे ये वाज़े होता है अल्लाह तबारक व तआला हमारा खालिक व मालिक जो हमारा पैदा करने वाला है हमें ये बताना और समझाना चाहता है कि मैंने तुम्हें किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा है। मेरे बंदो, मैंने किसी चीज़ से तुम्हें महरूम नहीं रखा और तुम्हें किसी चीज़ से मायूस होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये फरमा के आगे दूसरी जगह कुरान में फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरे बंदो मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो अल्लाह ने इस आयत शरीफ में यह फरमाया वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, जितनी कायनात में चीज़ें भेजी अल्लाह ने वो चीज़ें वो हैं जो इंसान को आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक ज़रूरत पेश आएंगी, क़यामत के आखिरी दिन तक पेश आएंगी। उन सब चीज़ों को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, भेज करके उनके सब के नाम हज़रत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उसके नाम के साथ साथ उसका मिजाज, उसकी खवास, उसकी सिफात, वो सब चीज़ें बता दी। उनमें जब इंसान ने उन चीज़ों को ग़िज़ा के तौर इस्तेमाल किया तो वह दवा बन गई, वो ग़िज़ा के तौर इस्तेमाल किया तो वह भूख प्यास मिटाने के लिए इस्तेमाल किया तो वह ग़िज़ा बन गई, और सेहत की हिफाजत और बीमारी के दिफा के लिए इस्तेमाल किया तो वह दवा बन गई। जानवर एक न्यूला, एक सांप, न्यूला जानते हैं, जब इन दोनों में लड़ाई होती है और सांप उसको डंक मार देता है, न्यूले को सांप
काट लेता तो क्या करता, दौड़ के जाता है, चिटचिटे का पौधा खड़ा होता है और जहाँ सांपों का चिटचिटा लाजमी होगा, ये अल्लाह की हिकमत है। जहाँ जिस किस्म की बीमारी ज्यादा होगी उस किस्म की जड़ी बूटियाँ उस किस्म की गजाएं ज्यादा होंगी, अल्लाह ने ये निज़ाम रखा अपने बंदों के लिए। तो दौड़ के जाके उसके पत्ते को खा लेता, उसका जहर उतर जाता है। तो फिर ये इस तरह से इलाज चलता रहा, कुछ दुआ से चलता रहा, चलते चलते आगे एक हकीम अस्कलबियूस के नाम से गुजरे जिन्होंने इसको फ़न के एतबार से मुदवन किया और उसके बाद ये फ़न के एतबार से चालू हो। फिर जितने आगे अतिबा हुक्म आते रहे, अपनी अपनी तहकीक करते रहे और ये तरक्की होती रही, यहाँ तक कि सर्जरी की भी नौबत आई, वो भी शुरू हुई हकीम अरस्तु के दौर से सर्जरी भी शुरू हो गई। सर्जरी जदीद पैथी की कोई देन नहीं है, जदीद पैथी वालों ने जितनी मेहनत की उन्होंने उतनी तरक्की कर ली ये कह सकते हैं, लेकिन उनकी इजाद नहीं है, उन्होंने लिया हमसे है। उन्होंने हकीम की खास बात यह है कि हकीम जो मरीज का डायग्नोस करता है वो मशीनों से नहीं करता, जिस तरह से दूसरे पैथी वाले मशीनों के टेस्ट पर इनहिसार करते हैं, उसी पर भरोसा करते हैं, उसी से अपना मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हिकमत में ऐसा नहीं है, वैदिक में ऐसा नहीं है। उनके अपने अल्लाह ने जो कुछ अलामतें दी हैं, इंसान के जिस्म पे तरह तरह की अलामतें होती हैं, उन अलामतों को देख के हम एक सिर्फ नखून देख करके बहुत सारी बीमारी बताते हैं, हम नखून देख करके कब्ज भी बताते हैं, लूज मोशन भी बताते हैं, लीवर का भी बताते हैं, लिकोरिया का भी बता दें, सेक्स का भी बता दें, वो सब अल्लाह ने दे रखी अलामतें, उनको पर मेहनत करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। और मेरे दादा उस्ताद मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान साहब देहलवी, कौन नहीं जानता हजरत को पूरी दुनिया में, जिनकी काविश व मेहनत के बदौलत आज हिंदुस्तान में तिब यूनानी जिंदा है, वरना तो इसके मुखालिफिन ने इसको मिटाने की हर मुमकिन कोशिशें की थी। और जदीद पैथी जो आज उरूज पर मैं है वो उन्हीं लोगों की मेहनत है जो इस यूनानी के मुखालिफ थे। बाद लोगों के दिलों में अभी भी रहती है कि हकीम का नाम सुन ले कोई तो वह एकदम भड़क जाता है, ऐसा नहीं, ना हकीम को जदीद पैथी वाले में भड़कना चाहिए न जदीद पैथी वाले को हकीम पर भड़कना चाहिए, भाई अपना अपना फन है, अपना अपना तजर्बा। हमारे तिब्बे यूनानी में डायग्नोस का तरीका जो है वो चार चीज़ें हैं, एक मरीज के जाहिरी हालात, दूसरे मरीज का बयान, बाद हजरात मरीज की बात नहीं सुनते, सुननी चाहिए उसकी भी, उससे भी कुछ निकलता है, बाद हजरात सारी हिस्ट्री सुनते हैं और इसी पर दारमदार करते हैं, वो सही। मरीज के जाहिर हालात और उन अलामत को याद करो और उन अलामत को ढूंढो जो मरीज के जिस्म में नजर आ रही है, दूसरा मरीज का बयान सुन लो, तीसरे अपने नफ्स के फन पर महारत करो और नफ्स के फन पर महारत के लिए किसी माहिर की सोबत इख्तियार करनी पड़ेगी। हासिल करें कि चार चीज़ों से डायग्नोज हकीम करता है, मरीज के जाहिरी हालात, मरीज का बयान, तीसरे नंबर पर मरीज की नफ्स, चौथे नंबर पर मरीज का कारूरा। कारूरा किसको कहते हैं, वाइट कांच में वाइट शीशे में उसका सुबह का पेशाब लिया जाता है, उस पेशाब को ले लिया जाए, फिर मरीज मालिक जो है अपने तजर्बात की रोशनी में उसकी पेशाब की कैफियत देखता है। और हमारा जो ये तिब्बे यूनानी है ये फितरी तौर पर डायरेक्ट जड़ी बूटियों से चीज़ें तैयार होती हैं, इसलिए ये मशहूर है कि यूनानी में साइड इफेक्ट नहीं है, अपने फन का माहिर हो अल्हम्दुलिल्लाह। इसी गरज से, इसी तरफ से अल्लाह के बंदों को फितरी चीज़, नेचुरल चीज़, असली चीज़ मिल जाए और सही अज्जा मिल जाए, सही क्वान्टिटी में उसके अज्जा पड़े हुए हों, तो उसके लिए हमने भी कदम उठाया। एक फैक्ट्री हमारी इरफानी दवाखाने के नाम से कश्मीर में श्रीनगर खुनमू इंडस्ट्री एरिया वहाँ हमारी एक बड़ी फैक्ट्री है, दूसरी फैक्ट्री हमारी गाज़ियाबाद विजयनगर में है इरफानी हर्बल लेबोरेटरी के नाम से, और हम इसी गरज से ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह के बंदों को हम असली चीज़ दे दें, सही चीज़ दे दें और केमिकल से पाक दे दें। हमारी पेथी केमिकल वाली नहीं, हमारी हर्बल है, तो हर्बल चीज़ें हम लोगों को पहुँचा दें। और उसी गरज को लेते हुए हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि हर स्टेट में जाएं, लोगों को इसका तारुफ कराएं, इसके फ़ायदे बताएं और अपने फ़न से उनको फ़ायदा पहुंचाएं। यहाँ आपके कर्नाटक बिलगाम अंबरगटी में हज़रत हाफिज़ इकबाल साहब, माशाल्लाह ये पहले से
खिदमत के कामों में, सोशल वर्क में आगे आगे हैं, समाज सेवक हैं बड़े, उस हकीम ना होने की वजह से, इस तिब के फन से ना वाकिफ होने की वजह से ये लोगों को ये फायदा नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये अल्लाह ने इनके दिल में जज्बा डाला, ये शौक और जज्बा पैदा हुआ, मैं इससे क्यों महरूम रखूं, लोगों को यह भी फायदा पहुंचाऊं। तो इन्होंने ये अंबरगट्टी में सिलसिला चालू किया और मेरे जैसे नाअहल नाकिस को भी बुला करके दावत दी और ये सिलसिला दवाओं का शुरू हुआ, जहां पर सिद्दीक या हर्बल शिफा खाने के नाम से यहां ब्रांच इरफानी हर्बल लेबोरेटरी की कायम की और इरफानी हर्बल लेबोरेटरी से, इरफानी दवाखाना कश्मीर से दवाएं असली यहां पहुंचती हैं और मरीज के डायग्नोस के लिए और मरीज के ट्रीटमेंट के लिए मुझे बुलाया जाता है। हर महीने मैं यहाँ 3 दिन देता हूँ और आता हूँ, अल्लाह के बंदों की शिफा होती है और बहुत सारी बीमारियाँ जो इस वक्त सर फहरिस्त हैं, जो हमारे जदीद इलाज करने वाले उनको लाइलाज कहते हैं, सिर्फ पेन किलर देते हैं या कैल्शियम देते हैं, वक्ती रिलीफ मिल जाता है और बेचारे नाउम्मीद हो जाते हैं कि अच्छा इलाज नहीं, ऑपरेशन करते वो भी कामयाब नहीं, सर फहरिस्त उसमें सिल्प डिसिक है, कमर के मनकों का गैप का बढ़ जाना, डिसिक है, और जब वो होगी तो हिप के जोड़ से दर्द शुरू होता है पाँव के अंगूठे तक, जिसको तिब में इरकुन निशा का दर्द बोलते हैं, अंग्रेजी वाले साटिका बोलते हैं और हिंदी में इसे रांगन का दर्द भी बोलते हैं, और आदमी को दर्द इतना होता है टांग लंगड़ी हो जाती, लंगड़ी का दर्द भी बोलते हैं। कामयाब इलाज है, जड़ से ठीक हो जाता है, साटिका की राख जो ब्लॉक होती है खुल जाती है, चलने लगता है, और सिर्फ डिस्क में जो कमर के मनकों में गैप हो जाता है, फ्लूट सूख जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो कुदरती इन जड़ी बूटियों से फ्लूट वापस आ जाता है। इसी तरह घुटनों का गैप है, घुटनों के गैप होकर के उसमें फ्लूट नहीं रहता, उस गैप में जो फ्लूट है वो वापस आ जाता है, कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं हमारे यहाँ। हमारी पेटी में ऑपरेशन की आखिरी मजबूरी दर्जा, लेकिन हमारे यहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, अल्लाह उसी से शिफा देता है। घुटनों का घिसावा होकर के घिस घिस के सूजन आते जाती है घुटनों पर, हाथ पाँवों पर जो नकरस हो जाता है, गठिया हो जाता है, गाउट हो जाता है, उस सब का इलाज दवाओं से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हो रहा है और अल्लाह ताला सब मरीजों को शिफा दे रहा है। इसके दूसरे नंबर पर इस वक्त सबसे अहम चल रहा है बे औलादी का मामला। हम दूसरे लोग तो इसको गुनाह नहीं समझते, ना समझे वो, लेकिन हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक व मालिक, वो इसको गुनाह कहता है, हराम कहता है, बदयानती कहता है, अमानत व खयानत कहता है। अल्लाह ने हर इंसान के जिस्म में, हर मर्द के जिस्म में मनी का एक ख़जाना रखा है जो इंसान की बका और उसके क़यामत तक आने का ज़रिया है। इंसान अभी इतनी बेरारावी आम हो चुकी है, बालिग नहीं हुआ होता तो ऐसी गलत सोबत में पड़ के हाथ से ख़राबी शुरू कर देता है। वो जो ख़जाना हाथ से निकाल रहा है, उस ख़जाने में अभी पक्का ही नहीं था, कीड़े बनने शुरू नहीं होते तो उसमें जान ही नहीं रही, तो आज मनी में काउंट्स ही नहीं है, कीड़े नहीं तो औलाद कैसे हो। ये भी दूसरी पेथी वाले, हमारे देसी के अलावा, हर्बल के अलावा दूसरे पेथी वालों के यहाँ ये इन काउंट्स को पैदा करने की कोई दवा नहीं है, लेकिन हमारे खालिक व मालिक ने पहले दुनिया में हर्बल चीज़ें भेज रखी हैं, उनमें ऐसी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग बहुत आते हैं जिनके काउंट्स नहीं होते, अल्लाह के फल से काउंट्स पैदा हो जाते हैं और अल्लाह उनको साहिब औलाद बना देता है। अभी भी कुछ मरीज़ आए बैठे हैं जो खुशखबरी लेकर के आए हैं, उनको उनकी औरत प्रेगनेंस हो गई, कंसीव हो गया और अल्लाह ने ये नेमत अता फरमा दी, या काउंट्स कमज़ोर हैं या कम हैं, उन सब का इलाज मौजूद है। औरतों में इस वक्त आम चल रहा है PCOD, सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, हैं यूट्रस की सॉइलिंग है, उस सब का इलाज बगैर किसी ऑपरेशन के दवाओं से हमारी पेथी में मौजूद है और हम कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे ठीक हो रहे हैं। दूसरे लोग कहते हैं साहब ऑपरेशन के बगैर चारा नहीं, ऐसा नहीं, अगर उनके यहाँ दवा से इलाज होता करें, अगर ऑपरेशन के बगैर इलाज नहीं, वो उसको यहाँ भेज दें, उस बेचारे को उस मुसीबत से कटने से, बड़े खर्च से बचाएं, क्योंकि भाई ऑपरेशन का खर्च, बहुत सारे टेस्टों का खर्च एक साहिब हैसियत अमीर आदमी बर्दाश्त कर सकता है, गरीब में नहीं कर सकता, उसका भी ख्याल रखें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे, खालिक मालिक ऊपर वाला तुम्हारे पर रहम करेगा। हमें रहम के लिए अल्लाह ने बिठाया है, हम जुल्म वाला काम ना करें और डरते रहें, दिन भर मरीज देख कर रात को भी अल्लाह के आगे रो के माफ़ी मांगे, अल्लाह हमसे गलती है कोई किसी पर जुल्म हो गया तो माफ़ कर दे, हमें जालिम ना बना, अल्लाह हमें खादिम बना के बिठाया तू, हमें खादिम बना, इस चीज़ का ख्याल रखें। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें, थायराइड है, शुगर है, हम ये कहते हैं शुगर बीमारी नहीं है, कुछ लोगों को मेरी बात ये अच्छी नहीं लगेगी लेकिन मैं उसका सबूत दूंगा, थायराइड बीमारी नहीं है। क्यों नहीं भाई,
अब बाद लोगों को तो बड़ा ताज्जुब लगेगा, देखो हमारी पेथी में ये है जो बेसिक तकलीफ है, बेसिक बीमारी है, उसको कहते हैं मर्ज। उस बेसिक की वजह से जो दूसरी तकलीफ हो रही है उसको कहते हैं अर्ज। ये थायराइड की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, बुनियादी वजह इसकी लीवर की है। लीवर का फंक्शन ठीक कर दो, वो मीठे को, नशास्ते को, शुगर को भी हजम करेगा, और जब इसको हजम करेगा वहाँ शुगर से निजात मिली, और जब यहाँ से फ्लूड सही बन करके, खिल्त सही बन के आगे सप्लाई होगी तो जिस्म के जितने ग्लैंड हैं वो नॉर्मल फंक्शन करेंगे, नॉर्मल हार्मोन बनाएंगे। तो थायराइड भी क्या है, हार्मोन का कम हो जाना, हार्मोन का ज्यादा हो जाना। तो इन जो गले के थायरॉइड ग्लैंड हैं इनको जब अच्छा फ्लूड मिलेगा तो फिर अच्छा हार्मोन बनाएंगे, बीमारी खत्म हो गई। हमारी तिब में इस चीज को देखा जाता है, क्यों हो रही है प्रॉब्लम, उस वजह को खत्म कर दो, आगे ये खुद हो जाएगी। ऐसे में मिसाल देता हूं, कहीं आग जल रही है, कहीं आग जल रही है तो धुआं तो होगा। अब कोई कहे कि भाई एग्जॉस्ट फैन लगा के मैं धुआं को निकालूं, तो भाई जब तक तुम्हारा एग्जॉस्ट चलता रहेगा जब तक तो धुआं निकलता रहेगा, छोड़ दोगे तो वहीं। ऐसी मिसालें जो आज दवाएं खाई जा रही कि जब तक शुगर की दवा खा रहे हैं शुगर कंट्रोल में, छोड़ दिया तो फिर गई। थायराइड की दवा जब तक खा रहे हैं जब तक फायदा हो रहा है, छोड़ दिया तो फिर गई। तो आप धुएं को भगा रहे हैं, आपको तो नहीं बुझा रहे, आप आग को बुझाइए, धुआं खुद खत्म हो जाएगा। इसी तरह से बेसिक बीमारी को ठीक कीजिए, जो दूसरी तकलीफ है खुद ठीक हो जाएगी। अब मेरी इस बात से बात तो बहुत लंबी हो जाएगी, अब आप लोगों की जरूरत है और मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं जो कोई गलती हुई हो उसकी मैं माफी चाहूंगा, और जो बातें मैंने कही अच्छी लगे तो उस पर अमल कर लें। और अल्लाह ताला ने ये सिलसिला जारी किया है, हाफिज इकबाल साहब ने ये अंबरगटी में सिलसिला चालू किया है सिद्दीक या हर्बल शिफा खाने का, यहाँ से फैज उठाइए, फ़ायदा उठाइए। मैं मसरूफ़ बहुत हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल करके यहाँ टाइम दे रहा हूँ और देता रहूँगा। और कोशिश मेरी ये है कि हमारे बीओएमएस वाले जितने भी हजरात हैं, अगर वो अपने फन को ज़िंदा करना चाहते हैं और ये शौक़ चाहते हैं कि हम हकीम बने, उनके लिए मेरा खुला दरवाज़ा है, कोई बुखल नहीं, मुझसे जो कुछ मुझे आता है उससे हासिल कर सकते हैं उसको, और अपने अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुँचाएँ। अल्लाह मुझे भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए, और इस खिदमत को तमाम मखलूक की शिफा सेहत का जरिया बनाए, और हम सब की मगफिरत का, अपनी रजा का जरिया बनाए। वाकई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफिज इकबाल यहाँ पर हकीम साहब के मुलाकात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये तिब का काम जो शुरू हुआ, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, और हकीम साहब हमारी दावत को कबूल करते हुए हर महीना आते हैं और मरीज़ को तफ्तीश करते हैं, और वो जो दवा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके चले जाने के बाद जो मरीज़ आते हैं हम उनका पूरा का पूरा पूरी बात सुन करके हकीम साहब से बात करते हैं, दवा देने को कहते हैं, हम उस दवा को कंटिन्यू जारी रखते हैं और उनके उनको बराबर फॉलो करते हैं, बराबर कॉन्टेक्ट में रहते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि जो यहाँ से दवा ले गया है अल्लाह उनको शिफा दे और उनको सेहत आप फरमाए। और हकीम साहब मसरूफ़ रहने के बावजूद भी कई स्टेट में, बम्बई है, अहमदाबाद है, जम्मू है, कश्मीर है, कई जगह जाने के बावजूद भी हमारे बराबर कॉल को रिसीव करते हैं और बराबर कन्फ्रेंस में ले करके हमारे मरीजों को बात करते हैं और उनकी रहबरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बहुत सारे लोगों के जैसे वाई की बीमारी है, जॉइंट पेन है, कमर दुखने का है, बच्चों का मसला है, इसी तरीके से और बहुत सारी बीमारियाँ, थायराइड है, ये बहुत सारे मरीज को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हकीम साहब की आने की वजह से, लोगों की दवाइयों की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने शिफा दी है। हम इसी तरीके से दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं अल्लाह पाक हर एक को जो है सेहत और शिफा अता फरमाए। सलाम अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने से मुलवादी की तकलीफ थी और आराम होने के बाद में कम्बर की दवा दी है हजरत साहब, अभी आराम लग रहा है, अभी थोड़ा दुख है, हमारा 2 बार करे ऑपरेशन की तकलीफ होती है, ऑपरेशन बोलते थे ना, हम ऑपरेशन नहीं कराए, अब ये दवा लेने से ज़रा थोड़ा आराम लगा। मैं कुंदरगी से जाए यहाँ जरा दवा लेना है, हमने सब भी वहाँ आता चलना नहीं आता था, तुमने बोला गया था हकीकत में बोला गया था, ऐसी दवा ले बाद अलग बदल से सब हमने आराम हुए।
हमारी बहू को पितकड़ आया था, यहाँ से दवा लेके बाद काम भी करे तो भी उल्टी कम होने लगती उनके, यहाँ को दवा लेके बाद उनकी उल्टी बंद हो थोड़ी है। अच्छा अलग बदल से सब दवा के बाद अच्छा इनका ना शुगर जरा था सब वहाँ था बहुत लुस्ते थे मेरे वहाँ था जरा पेट में तकलीफ होती। अभी तक मैं एक महीना वहाँ थी दिखलाने का तो मुझे बहुत आराम लगे, आराम लगे मुझे। अभी तक राम ने जाना बका सर का ताकत जरा ताकत बने है, दवाई में बहुत बड़ी ताकत है सर, बहुत बड़ी ताकत है। मुझ सब क्या भी फाट नहीं, बहुत बड़ी ताकत है दवा में। असलाम वालेकुम, मैं जो किडनी का मैं एज गाँव वाला से अंबरगट्टी से, मैं रहने का घरक में काम का स्तर घरक में रहता हूँ। मुझे किडनी इन्फेक्शन हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था धारवाड़ में बताया, हुबली में बताया, बड़े किडनी सर्जन पास बताया वो भी कम नहीं हुआ। बाद में हमारे आपिस साहब बोले मशा आया आप बता लिया कर बोल को 21 बार बता लिया, एक बार में क्या भी दर्द नहीं, तो यहाँ पूरा दर्द होता था, अभी क्या भी दर्द नहीं, अल्लाह फजल से आराम है। यहाँ दे मटल है कितने पास दे मटी कर, वो मुझे तकलीफ थी 10 साल वो इधर रह जाता वो डिस्क पेन करके उधर नस दबी कर बोले थे 2010 में एक्सीडेंट रहता वो, शायद वो दर्द अच्छे उसके बारे में मैं तो तक ख्याल नहीं कर रहा था। बाद में मैं इसमें दिखाया कहाँ वो धाड़ में देशपांडे पास, दिलीप देशपांडे पास उधर 2 साल दिखाया और नियरली डॉक्टर उधर दिखाया, और उसके बाद में 2 साल इसमें दिखाया मैं किधर विजय हॉस्पिटल में, उधर भी दिखाया। बाद में वो नहीं हुआ इलाज उसका, उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए बोले थे। बाद में सो ऑपरेशन करने के लिए भी गया था मैं फर्स्ट सेकंड कोविड टाइम में, जाकर 2 दिन एडमिट रहता। बाद में सो एक नेरो सर्जन आकर उन्होंने क्या बोले ऑपरेशन करे तो भी इलाज होता तब नहीं होता तो गारंटी नहीं बोले उन्होंने, इसके लिए छोड़ दिया हमें। बाद में इतना इधर तीन महीने से इधर दिखा रहा हूँ, 3-4 महीने से, लेकिन अलग अलग से इलाज हुए। मैं डॉक्टर बताया वो भी इलाज हुए और दर्द भी कम हुआ है।